जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अदिति अवस्थी। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो बिना ब्रेक के आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, सीमा पार से फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद नायक मुदस्सर अहमद पुलवामा के रहने वाले थे, मोर्टार हमले में हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन, बालाकोट में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई। सीज फायर में एक महिला और एक बच्ची घायल, इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, भारत ने कहा सभी सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान ने शुरू किए। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत, भारत ने पाक से कहा शांति बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई का अधिकार। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, शाम 5 बजे तक होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए की वोटिंग, संसद के कमरा नंबर 62 में डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए की वोटिंग, अहमदाबाद की जगह दिल्ली में किया मतदान। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग की, कहा रामनाथ कोविंद जीतेंगे कोई संदेह नहीं इसमें। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा रामनाथ कोविंद सम्मानजनक अंतर से जीतेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का बयान, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए लड़ रही हूं चुनाव। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का बयान, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सेक्युलर होना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट, कहा कोविंद के समर्थन में कुछ विपक्षी नेता भी कर सकते हैं मतदान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मीरा कुमार को बताया बेहतर उम्मीदवार, कहा ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने की अपील, कहा राष्ट्रहित में मीरा कुमार को डाले वोट सभी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मीरा कुमार को समर्थन लेकिन गैर कांग्रेसी प्रत्याशी ज्यादा बेहतर होता। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, रामनाथ कोविंद बड़े अंतर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस से पूछा ये कौन सी विचारधारा की लड़ाई है, जगजीवन बाबू की बेटी को चुनाव हारने के लिए क्यों खड़ा किया। संजय राउत ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर उठाए सवाल, कहा गोपाल कृष्ण गांधी ने याकूब मेमन को फांसी से बचाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने गोपाल कृष्ण गांधी का बचाव किया, कहा आखिर अब तक क्यों चुप थे संजय राउत। राष्ट्रपति चुनाव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा चुनाव में कोई भी जीते राष्ट्रपति एक दलित ही होगा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का बयान, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें सभी। राष्ट्रपति चुनाव पर आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा बोले, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले प्रत्याशी को मेरा वोट जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, हम मीरा कुमार के साथ लेकिन रामनाथ कोविंद के पास बढ़त है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डाला वोट, कहा रामनाथ कोविंद की जीत पक्की है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी डाला वोट, कहा रामनाथ कोविंद ही जीतेंगे। चेन्नई में डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला, मीरा कुमार की उम्मीदवारी का समर्थन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव को कहा धन्यवाद, कहा रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के लिए शुक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोलकाता विधानसभा में डाले जा रहे हैं वोट, कई मंत्री और नेताओं ने की वोटिंग। वाराणसी में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत के लिए हुआ हवन, समर्थकों ने पूजा पाठ किया। 20 तारीख को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे, 25 जुलाई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। इसके पहले विजय चौक पर नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का रिहर्सल किया गया, रिहर्सल में शामिल हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मी। आज होगा एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान, शाम 5:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक। एक्टर और सांसद विनोद खन्ना, अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। सभा ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बयान पढ़ा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की राज्यसभा में भी निंदा की गई, कल तक के लिए सदन स्थगित।
मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी की सफलता से नई उमंग से भरा सत्र। संसद में मानसून सत्र से पहले विपक्ष की बैठक, कांग्रेस के अलावा जेडीयू भी शामिल हुई। गृह मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी, कहा पीएम के स्वागत में गुलदस्ते की जगह सिर्फ एक फूल दें, खादी का रुमाल और किताबें भेंट करना भी बेहतर विकल्प रहेगा। बिहार में सियासी खींचतान के बीच मीडिया के सवालों से बची मीसा भारती, नहीं दिया कोई भी जवाब। बिहार में किसी भी सियासी मुश्किल को तेजस्वी यादव ने किया खारिज, कहा सब कुछ मीडिया की उपज है। देश भर के स्कूलों में आज से सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए से मांगा इस पर जवाब, डायरेक्टर से पेश होने को कहा। बेंगलुरु की डीआईजी जेल डी रूपा का ट्रैफिक विभाग में तबादला हुआ, डीजी जेल पर पैसे लेकर शशिकला नटराजन को सुविधा मुहैया कराने का आरोप लगाया था। फरीदाबाद में सीवर के खुले गड्ढे की वजह से हादसा हुआ, बारिश का पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी। नोएडा में जिम ट्रेनर साजन भाटी के हत्यारे गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल की गई कार और पिस्टल भी बरामद। वाराणसी में धार्मिक जमीन पर कब्जे की अफवाह के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प और आगजनी हुई, दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से मुलायम और शिवपाल के पोस्टर हटाए गए, अखिलेश समर्थकों ने हटाए पोस्टर। यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद के बाद पति ने की पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी से सरेआम वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर जिला जेल में बंद पति से मिलने पहुंची महिला के पास से कारतूस मिले, महिला ने खुद को बेकसूर बताया। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के दो ट्रकों को पकड़ा, उत्तराखंड के हैं ये दोनों ट्रक। पंजाब के मोगा में आबकारी और पुलिस की टीम ने एक कैंटर से 1000 शराब की पेटियां बरामद की, तस्कर भाग निकला। जी मीडिया पर खबर चलाए जाने के बाद मोहाली में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी, 30 से ज्यादा क्रशर पर छापे मारे गए। राजस्थान के टोंक में छेड़छाड़ को लेकर दो गुटों में झड़प, लोगों ने बदमाशों की पिटाई की। राजस्थान के बांसवाड़ा में चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाया, लोगों की मुस्तैदी की वजह से चोर नाकाम रहे। राजस्थान पुलिस ने लूट और चोरी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूटा हुआ सामान और बाइक बरामद। राजस्थान के जालौर में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया, एक तस्कर भी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, मौके पर मौजूद नहीं था डॉक्टर। राजस्थान के बाड़मेर में एटीएम को लूटने वाले 10 बदमाश गिरफ्तार हुए, पुलिस ने चोरी की रकम भी बरामद की। राजस्थान के अजमेर में दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 4 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। एमपी के बलरामपुर में हॉस्टल के वार्डन पर छात्रों के साथ मारपीट का आरोप, बिस्तर ठीक से नहीं बिछाने पर 5 बच्चों को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के गुना में कुएं में उतरे 5 किसानों की करंट लगने से मौत हुई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मालवा में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लापरवाही सामने आई, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह सोते दिखे शिक्षक। बिहार के सासाराम में शराब से भरी कार जब्त, पुलिस ने भाग रहे 3 आरोपियों को पकड़ा। गोपालगंज के एक दुकान में आग लगी, आग बुझाने में एक युवक झुलसा, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। कटिहार में एक युवक ने परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाया, भाभी और 2 भतीजियों की मौत हुई। झारखंड के पाकुड़ में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर। रांची में एक युवक ने चौकीदार की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 15 साल की एक लड़की का शव मिला है, रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। बिहार के बक्सर में महिला की बेरहमी से सिर काटकर हत्या की गई, नहर के पास से शव मिला, महिला के घर वालों का आरोप, ससुराल वालों ने की हत्या। बिहार के पूर्णिया में विद्या विहार इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा ने की खुदकुशी, घर वालों का हत्या का आरोप, कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साधी। दिल्ली और एनसीआर में कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, 24 घंटों के अंदर कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। ओडिशा के कालाहाड़ी में भारी बारिश, बाढ़ की वजह से NH-26 पर यातायात ठप। मंडी में हनोगी माता मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ, श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर घुसकर जान बचाई। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने, नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसा। सावन के दूसरे सोमवार में सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा सकती है, शिव भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हैदराबाद में बुनालू उत्सव धूमधाम से मनाया गया, केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी मेले में शामिल हुए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए मध्य प्रदेश का जबलपुर आदर्श जिला बना। बीते 7 वर्षों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का जन्म हुआ। श्रीलंका एयरलाइंस ने कोयम्बटूर से कोलंबो के बीच नई उड़ान शुरू की। हफ्ते में 4 दिन ये सेवा मिलेगी। बाजार में आज भी बना रिकॉर्ड। निफ्टी ने 9914 का नया शिखर छुआ। बैंक निफ्टी पहली बार 24,000 के पार निकला। जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी काउंसिल की आज पहली बैठक। जीएसटी को लेकर आ रही दिक्कतों पर हो सकती है चर्चा। कोयम्बटूर में 4 दिवसीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एक्सपो की शुरुआत हुई। अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों की कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। सीरिया के इदलिब शहर में कार में धमाका हुआ। 2 बच्चों समेत 5 लोग इस धमाके में घायल। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग। 1 की मौत कई घायल। मिस्र की राजधानी काहिरा में पुलिस की स्थानीय लोगों से झड़प हुई। 1 की मौत हुई। दर्जनों लोग घायल हैं। इटली के जंगलों में लगी आग अब तक बेकाबू है। आग पर काबू पाने के लिए प्लेन की मांग में भारी इजाफा। पाकिस्तान की सेना ने आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया। अभियान में वायुसेना की भी मदद ली जाएगी। ईरान में राष्ट्रपति हसन रूहानी के भाई को वित्तीय मामलों में गड़बड़ी की वजह से हिरासत में लिया गया। सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब में यूएस विमेंस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन। ट्रंप समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। यूनेस्को की टीम कंबोडिया पहुंची। विश्व धरोहर में शामिल करने से पहले मंदिर का दौरा किया। एक कथा की टीम बैतूल पहुंची। अनीता नरे के परिवार से मुलाकात की। अनीता की जिंदगी पर बनी है फिल्म। सलमान खान ने अनुपम खेर की फिल्म रांची डायरीज की तारीफ की। सोशल मीडिया पर फिल्म को ऑल द बेस्ट कहा।